क्षेत्र बदल लोगे भाषा बदल लोगे। उदाहरण के लिए चाहे हिंदू रहो चाहे मुसलमान रहो, यदि वो झारखंड के क्षेत्र में है तो झारखंड के भाषा बोला है, जैसे वो क्षेत्र पार करते हो भिलू भाषा बोला है। तो सेटा से लड़ाई स्टार्ट कर लो कि ना चलते बर्बादी मौका है, बाहरी भाषा नहीं चलते। अब धोनी कहे कि नहीं बाहरी भाषा से समस्या क्या है, यदि बाहरी भाषा झारखंड में और धनबाद बोकारो में यदि शामिल करिए ले कर सरकार में तो ओकर से दिक्कत की है। पहला बात थोड़ी इतिहास सभी पढ़ा है अच्छी तरह से पढ़ा होगा, इस कल में थोड़ी मैक्सिमम हजारी बात कर रहे एजुकेशन के हब कहा जाए थोड़ी जिम्मेदार यानी एजुकेशन के ही क्षेत्र लगे। तो दुनिया के इतिहास का है कि एक सभ्यता दूसरा सभ्यता के खत्म कर दे। थोड़ी हरियर वंश के बारे में पढ़ा लगा जगह राजा शायद बीबी साहब लग लो हरियत वंश के खत्म कर दो तो शायद नाग वंश के एंट्री भलो हरियत वंश खत्म हो गए। फिर जाके नंद वंश के एंट्री भलो नाग वंश के खत्म कर दे। मौर्य वंश के एंट्री भलो नंद वंश के खत्म कर दे। सुंग वंश के एंट्री भलो मौर्य वंश के खत्म कर दे। कर्ण वंश के एंट्री भलो तो सुंग वंश के खत्म कर दे। यानी इतिहास तो सीधा प्रमाण कर रहा हूं कि एक सभ्यता में एक कल्चर में दूसरा कल्चर के खत्म कर दो। तो ऐसे यदि बाहरी भाषा बाहरी संस्कृति बाहरी लोग यदि झारखंड में तो थोड़ा खत्म कर दो। अभी तो नौकरी क्या लगता है झारखंड राजधानी की ले रहा सीधा सा सवाल है। झारखंड राज लिए के मकसद की है कि झारखंड के लोग आगे बढ़ते वीडियो बनते तो झारखंड के लोग मास्टर बनते तो झारखंड के लोग वकील बनते तो झारखंड के लोग जे भी बनते झारखंड के लोग। लेकिन 22 साल में तो एक बार सर्वे कर क्या हो कि झारखंड के लोग जगह में हो मुश्किल से हो जब बंदूक टाइम के गुराव दादा साहब यानी फोर्थ ग्रेड के जब पुलिस के बहाली में हो जब तीसरा ग्रेड के बहाली में हो अगर में झारखंड भी क्योंकि हमने झारखंड राज्य है दिन खत्म कर लिया। हमने ख्वाब बोला हमने जब सपना देखा ले लिया कि आज जो जितना गिदर सब खेला आता चाहे जितना एक सब नया नया ही आयल है कि अखने की खेलते रहता है नेकने हाथ में अगर रोजगार रहता है अगर रोजगार रहता तबे तो बाल बुत रोकने पालते पोसते तो कतरा दिन खेलते। धोनी जवाब दे दिले सचिन हुआ जवाब दे दिले कि अखने जवाब ना देते। यानी हमने झारखंड बना ले लिए कि भाई झारखंड के लोग क्या मौका मिलता है चाहे नौकरी के बात कर नियोजन के बात कर जहां भी अवसर मिलता है झारखंड के लोग क्या मौका मिलता है। लेकिन आज दुर्भाग्य के बाद हमने कहीं ना है आज लगातार 22 साल में हमने के शोषण में रहा हमने लोग केवल और केवल मजदूर बन के हैं। और सबसे बड़ा दुख के बाद अगर सबसे ज्यादा लोग के विदेश और बाहर गए ना तो भोगोदर और मिसुलगढ़ क्षेत्र के तो हम भोगोदर क्षेत्र से है ना विधानसभा भोगोदर लगे ना तो भाई वो कहे गए मैं विदेश हमें महाराष्ट्र गुजरात के बात नहीं करे हो कुवैत मलेशिया तो सऊदी मैक्सिमम जितना जाना हो तो अपने विष्णुगढ़ के इलाका गया तो या भगोदर क्षेत्र गया तो कहे भाई छोटे छोटे बाल बच्चा खा रहे हैं नया नया शादी कर रहे पत्नी बेचारी खा रहे हैं की खाते गया है रोजी या रोजगार का ककर खाती आने वाला भविष्य खाती कि गिदरा के पढ़ाए भाई पढ़ा लिखे भाई और कम से कम वो तो विदेश में जीते उठा ले रहे मैक्सिमम जितना भी बाहर में हो अभी तक हमने के जितना सहायता कर लो अगर कोई विदेश से तो अपनी भगोदर या विष्णुगढ़ के लगा तो तोहनी समय सकल है तोहनी से बेहतर कि पलायन के दर्द किए जाते हैं। अरे कब पलायन का कब है जब 40% खनिज हमार माटी सोना चांदी हीरा मोती कोयला अभरा ब्रोमाइड बॉक्साइट हमार माटी में इधर धनबादी कोयला तो इधर कोडरमा में तो जाके अभरा ये अभरा राजधानी इधर कोयला राजधानी ये परिस्थिति के बावजूद यदि हमने लोग विस्थापन कर रहो तो कहीं ना कहीं अंदर बैस के सोचे हैं तो लड़े रहे कहे कि कोई यदि ना लड़े हैं तो ऐसे तो खत्म है जब युद्ध तो छिड़ जाए ना तो कहीं तो गोली चलाओ चाहे ना चलाओ तो खत्म होना तय हो तो एक से अच्छा है गोली चलाए के खत्म है यदि जीत जाए तो सुखी संपन्न रह के खेबे तो आराम से आप बताओ कितना दुर्दशा हमारे राज्य के कोई ठीक ठाक लगाए कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो सेक हसीना। मुझे पहले नहीं लाइन लगता कि हमार पानी पानी कहाँ मुनार डैम में पानी कहाँ तिलैया डैम में पानी कहाँ टेनू घाट के डैम में पानी कहाँ तो माथेन डैम में पानी कहाँ चांडिल के डैम में और पंचेत के डैम में ये पानी से की बनाओ बिजली बनाओ बिजली जनार कैसे बनाओ पानी से बनाओ। तो जब बिजली
के उत्पादन हमार डैम से बाबा है, हमार नदी के पानी से, तो बिजली के जब बल्ब चलते हैं चाहे पंखा चलते हैं, पहले हमारे यहाँ जलत है, हमारे यहाँ जलत है ना, लेकिन जानकारी होना चाहिए हमने का जब झारखंड से जितना बिजली के सप्लाई भी हो, आधा से आधा सप्लाई तो कलकत्ता और बांग्लादेश पार कर दिया स्थिति झारखंड की। आज डीवीसी के जितना काम है वो टोनी गौर कर रही डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम, दामोदर नदी धनबाद बोकारो रामगढ़ में अगर हेडक्वार्टर हो कलकत्ता होता तो छोड़, हमको नया एयरपोर्ट तो बन लो देवघर में, एम्स एयरपोर्ट के मामला हो कन्फर्म ना हो, चाहे एयरपोर्ट लगो चाहे एम्स के मामला हो, और जो वैकेंसी आए लो की गार्ड फाट के थोड़ा तो मिर्जापुर डाकर लो, मिर्जापुर डाकर लो ठीक से देख लिया, वैकेंसी झारखंड के एम्स के लगे ना, एम्स के वैकेंसी झारखंड में, अरे सफाई मार चाहे गार्ड लेके बंदूक लेके सारा चाहे डांग लेके वैकेंसी झारखंड के लगे ना, थोड़ा इंटरव्यू है तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश बताओ की बुरा स्थिति झारखंड कौन स्थिति में हमने है बताओ, हम भी कभी दूसरे राज्य में डाका डाले के लिए, अरे हिला के लग महाराष्ट्र में है वो कमरला है खटला है फैला रहे हैं, अभी प्राइवेट सेक्टर में है वहां गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में तो पैसे तो जहां से आए जमे से आए खाट कमाओ निकल जाना भाई, खाट कमाओ निकल जाओ, जैसे हमर लोग जाओ तमिलनाडु जाओ हैदराबाद जाओ गुजरात जाओ कपड़ा दुकान में टावर लाइन में तो मछली फैक्ट्री में जाओ पैसा कमाओ बाहर जाओ तो जाओ, मना तो नहीं कर लियो लेकिन रह सोच के नहीं, एक राज्य में एक एगो वोटर आईडी और एक एगो डोमिसाइल होना चाहिए, दो राज्य में नहीं होना चाहिए, जब से आंदोलन भेलो जब बाहर किया और निकलो कि नहीं हमारे बाप दादा यही रहते हैं हम लोग यहाँ के हो गए हैं हमारा यहाँ के सिवा कुछ नहीं है, जब ये आंदोलन भेलो तो बाहर के लिए कहा, अभी दो दिन पहले पेपर पड़ा है तो छठ के लिए ट्रेन अभी से रिजर्व हो गया है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, जब यही आपका सब कुछ है तो कहां जा रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि देख भाई तो कहीं जा है अभी पर्वे दिन पर्व आदमी कहे मनाए जहां पर घर परिवार, यानी पर्व के समय तो छोड़ के जा रहा है यानी पर घर परिवार कहीं हो तो जहां हो अधिकार भूमि ले ले, आज लड़ना हमने की आवश्यक है तो लड़ाई लड़ लो 1932 के खतियान, सबसे पहला बात समय है ना कोई दिक्कत नहीं ना, सबसे पहला बात 1932 के खतियान तो जितना गिरा सब खेले वाला भी सब मोटा मोटी लड़े वाला उम्र के लगा जितना गिरा वाला कौन हो, पहला बात जाने हो तो 1932 के खतियान एक ने चर्चा का है या फिर की लाभ एकर से लाभ की हो, जब कोई नया राज्य बना है तो राज के पहला नियम मनाता छोड़ अभी अपनी क्रिकेट खेलने तब नियम है कि वाइड पिचू के ले तो वाइड हाइट में ले तो नो बॉल स्टेप पार कर ले तो नो बॉल, तब नियम से खेलने ना नियम खातिर दो एम्पायर हलो केमेंटी हलो, बिना नियम समझे वो तीन घंटा दो घंटा के क्रिकेट के मैच है वो है उठा हमने बिना नियम से नहीं खेल पा रहे, लेकिन झारखंड राज बिना नियम से खेल रहा है, 3.5 करोड़ पॉपुलेशन 79,000 के क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बिना नियम के चल रहा सिर्फ झारखंड राज्य, बाकी बिहार के भी नियम हो बंगाल के भी नियम हो तो जो दियो पड़ोसी हो अपने के नियम, लेकिन कौन राज्य में वो नियम तो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, स्थानीय नीति के मतलब लगो लोकल लोकल के लगे, अब मान के चल यदि लोकल के नियम नहीं रहता है तो सब तो मुंबई चल जाते, मुंबई से हमारा पार्ट मुंबई गोटे इंडिया की जनसंख्या समारा पार तो है ना पार तो है सब तो दिल्ली चल गए थे और गेवर गेल थे तो दिल्ली में की भला कि एक दिन ओड नंबर गाड़ी चलता दूसरा दिन इवेंट नंबर चलता भले ना सुना कि नहीं, दिल्ली में यदि लोग जगह बजाए गए तो नियम भाई गए केजरीवाल मजबूरी में कर ले कि एक दिन जो गाड़ी चलेगा 1 3 5 7 9 यानी जिसका लास्ट में 1 5 3 7 9 है बिजोड़ जोड़ खेला ना छोटा फिर हमने जोड़ बिजोड़ तो बिजोड़ वाला गाड़ी एक दिन चलेगा अगला दिन जोड़ वाला, पर कतना इमरजेंसी हो सोमवार दिन तो गाड़ी नहीं चल तो कहे दिल्ली में सुबह के बजाई गला
फ्री नहीं मिला, सही है सही खातिर भिन्नो भिन्नो राज होना चाहिए, सही खातिर अलग अलग राज होना चाहिए कि वो राज के लोग के विकास। तो स्थान नीति के मतलब लगो हुआ के लोकल के लगा, क्या कि हम भी सभी एक ही जगह के लोकल भाई सकल हैं, ये 28-29 जिला में हम भी लोकल नहीं भाई सकल। जैसे तोनी बिरनी प्रखंड के लगे तो कोई ना कोई तोनी प्रमाण हो कि हमें बिरनी प्रखंड के लगी हो, प्रखंड का कार्यालय हो वहां तो दस्तावेज हो कि आदि हमारे पूछा के नाम आओ खतियान में, तो इसलिए पहुंच सन बिरनी लगो हमारे तो जाती लगो, इसलिए लगो लोकेलिटी एवं नियम कागज के आधार पर सेंटर लगो तो खतियान कि भाई खतियान के आधार पर तय कर कि हमने क्या लगा। आज जब हमने बिहार के लिए संयुक्त बिहार का जब हिस्सा लिए तखन झारखंड 1932 के खतियान चला, जब हमने बिहार राज्य में लिए तखन 1932 के खतियान चला। तो आज कहने चलते भाई, आज कहने चलते एक बार बहुत सारे थोड़ा इतना क्वेश्चन कर तो कि तोहनी 1932 के समर्थन करे हैं तो 1932 तो अंग्रेज के टाइम पे ना, तखन तो अंग्रेजों के शासन हलो इंडिया में, तो इटा तो मने गैर कानूनी लागो कि तो तखन देश आजाद भी नहीं फैला लो, और तब के नियम के तो दुहाई दे रहा है, तब के कानून के तो मांग कर रहे हैं, तो इटा तो नहीं चलत जाए। तो इतना तो उत्तर दे दा बिना कि जब बड़ा बाबू थाना में हमारे जैसी एंट्री वे है मारपीट में 107 लगाई जाए, कोकरो कपार फाड़ दे तो 307 लगाई जाए, और मुड़िया काटा है तो 302 लगाई जाए, ये कानून के लिए कब बना ले, इतना तो सवाल करे चाहिए। एक कानून बना लाए 1860 में, ये कानून कब बना लाए 1860 में, 1932 कहने चलते 1860 में कानून बोल रहा लो भारत में पूरा तेजी के साथ बोल रहा लो 1932 में आए चलते, मैंने सीधा सीधी तो सब ना इंसाफी हो नहीं भले कि आप करे तो रास मिला हम करे तो ट्रैक्टर मिला। माने झारखंडियन के एकनी हमेशा बोके समझ लती कि इतनी बढ़िया दाल लागो बोका लागो जैसे कोड़ाई भी बोल ले, और अभी तक हट्टे खवा ले लेकिन डाम नया झारखंड का। अब हमने जुआन नहीं सियान भी बन गए, इधर नया झारखंड लागो या अंचा चमचार मिला से की बात कर रहे, अंगूठा छाप विधायक कौन से मोटा मोटी मैक्सिमम विधायक अंगूठा छाप रहे मंत्री हो, अगर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड जो राज्य के सबसे बड़का नौकरी करो ओकरा कहल जाए मुख्य सचिव, सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा नौकरी अगर ककरो है तो मुख्य सचिव के डाक ओकरा ओकर से बात करबे ओकर से हमें टेबल टॉक करबे कि 32 सही है कि ना। अपना तो छोड़ ये जो अंग्रेज कर होना ये वकील दादा साहब में जो करिया कोर्ट भी ना होना पीटा अंग्रेज के दे लो पहले फटवा तो खान के आओ करिया कोट पहन दो अंग्रेज के लगे कहे लगे बताओ अभी देख इतना रोद लागो करिया कपड़ा पहन पर खराब कर यानी करिया कपड़ा कभी रोद से नहीं पर आज यदि ठंडा हो तो करिया कपड़ा पहन तो गर्मी लगे तो अंग्रेज जहां से आए वो 12 महीने 9 महीने ठंडा रहे ओकरे चरका चरका देखा लिखे ले ठंडा हो तब ना हम इन सब नहीं आ रहा सब मौसम तो अंग्रेज जहां से आए वो 12 महीना में 9 महीना ठंडा रहो तो अखनी के तो भाई आप गर्मी चाहिए सही खाने अपनी करिया कोट पहनाए रहे और हमने के लोग जाके पसीना चूर हलो कामड़ा कोट देखा रहे तो पहले तो अंग्रेज के कोटवा खोला ले ना इंडिया के लोग के और बाद 1932 के विरोध करिए अरे कोटवा तो छोड़ एको देखा लिए चीफ के को टाइट है सर उड़ा के नहीं हमने बताओ कोट तो पॉइंट पॉइंट वाले कोटवा पी वाले हवा तो टन टन कहीं से नहीं ढूंढता है बड़ा हिया से डर जा मजाक ना है हटे नियम लगो अब हिया से डर जा लाए तो सर्वेंट कहले आप नहीं करवे कहले बाप रे ही असत के बाप तो सर टीचर से पर बाप अंग्रेज के टाइम नहीं पर बाप ले अगले और कह रहे लोने से बात देख एक बात सीधा हो जनता जन दिन जाएगी तो और जन दिन विधानसभा के बाहर खड़ा भाई तो 81 विधायक भीतर में और 81 लाख जनता बाहर में 1932 तो छोड़ अगर ऑफर से कोई पुराना रिकॉर्ड आए तो बाप बाप करके लिखते हैं तो झारखंड
पहले कितना आंदोलन भेल लोग नहीं जाना क्या अखन सोशल मीडिया रखल माने तो सोशल मीडिया आज के डेट में हथियार अब तो कैसा इस्तेमाल करें या दोधारी हथियार तोरों काट सकल अगर सही से योजना कर ले तो तोरों काट कर तो सही है। जब सोशल मीडिया की बात कर ले जितना नूतन गिरा रहे हैं खासकर आठवां नवा दसवां तनी व्यस्त से यूज कर यूज कर ले मरा ना तो उतने यूज करी है जितना ऊपर से फायदा ले सकला घाटा नहीं करिया सुनना ना कहा आठ साल के भाई ने बारह साल के भाई काट दे पेपर नहीं नहीं पढ़ा कि आठ साल के भैया में आठ साल यानी तीसरा क्लास दूसरा क्लास बारह साल के भैया के छुरा मार दो मर गए मोबाइल मोबाइल के चलते झारखंड के लेना डॉक्टर्स के यानी कोडरमा के तोरे बगल के न्यूज़ ला कर बाबू तो सही करके मोबाइल भी यूज कर इंस्टा चलाना चला हमके फॉलो करिए हम फॉलो बैक दे देंगे मना रखो लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव चलाओ समझ मोबाइल कितना असर करे तो हमने दिमाग में कि जन भाई मैं पिछे भाई गाठी सोना इधर कर दे कि पिछे भाई गाठी सोना अपन भाई में अभी बड़ो है के मार तो अलग बात है चल मने जमीन के झगड़ा भाई गले जोरू के झगड़ा भाई गले पैसा के झगड़ा भाई गले एगो मासूम भाई रे आठ साल यानी ठीक से होकर दांत ना हुआ होता है वो आठ साल के भाई में बारह साल के भाई की हत्या कर दे मोबाइल के कारण तो सही खाते जितना भी साथी सब आ जितना हमारे से छोटे हा नौवा दसवा आठवा ग्यारहवा सब हम जाना यो तनी मोबाइल चल में भी तोरी के मजा लागो हो लेकिन ठीक से चल अब 1932 के फैसले रिपीट कर रहे हैं अब माइंड में चलकर हम कोई लकड़ी के दो भाग में बांट पाए कोई बांस का लकड़ी ले कोई भी लकड़ी अगर जिन्हें दो भाग बांट पाए तो दियो भाग में एक ही गुण रहता है कि नहीं दियो भाग में एक ही गुण रहता है कि नहीं ना कि अपने के पैटर्न पर अलग अलग रंग भाजित है तो जब बिहार में 1932 से तो हमारा काम हम हमेशा कट के अलग है तो एक से पहले हमने के जो नेतवन हल थोन वो अपने सवाल के उत्तर ना है कि उत्तर देवे अपने जैसे मीडिया क्वेश्चन करा तखनी आप बक कर लगा हो लेकिन आप जितना फिर सवाल ना है ऊपर से ज्यादा हमें उत्तर है आय के सुनिए स्थानीय नीति के बाद प्रमुख नीति है और नियोजन नियोजन यानी नौकरी सभी पढ़ा मेरे भाई साहब की ले पढ़ा नौकरी पहला ख्वाब तो नौकरी है ना यदि कोई नहीं कर पा ले तो हमारे बेटे में करते बेटे नहीं कर पा ले नतिया करते यानी ख्वाहिश का है कि हमारे जो गिरवा है आगू बढ़ता है कुछ अच्छा से कमाई है तो नियोजन नीति बना है आप देखिए अगले नियोजन नीति की बनाई लो एक से पहले का सरकार हो हम पहले ही कहिए कि जितना सरकार हो सब बेकार है एक से पहले जब भारतीय जनता पार्टी रायसू मिल के सरकार बनाई लो और नियम बनाई लो कि जो झारखंड में पैदा हो तो वो नौकरी में फॉर्म भरता अब बताओ तो नहीं कि ऐसा नियम बनना चाहिए कि जब यह जन्म लेते हो झारखंडी भाई भाई तो वो हिसाब से यदि कोई ट्रेन में बच्चा भाई जाए तो ट्रेनों आपका की या भी एम्स में जो नया अस्पताल देवघर में बन रहा है बच्चा हो भाई जाए तो की करते पढ़ल बाद हमें यह डॉक्टर बनो मने जे सब नियम बनो है कुछ कॉमन सेंस कुछ बुद्धि है कि नहीं किसे जन्म ले तो झारखंड यहाँ से जन्म ले तो से झारखंड अरे हम तो महाराष्ट्र के लाए हम कहता लो बहुत कोई पत्नी के लड़के के लाए तो पत्नी के हम बच्चा जन्म ले लाए तो क्यों मराठी भले नहीं भाई तो सोच के नहीं करना मैंने बे हुए मैंने बेतुका नीति बनाई लो आप भाई सरकार है जेमे मार कांग्रेस के एक ही नीति बनाई लो कि जे यहाँ से दसवां और बारहवां पास कर ओ झारखंड अब बताओ पढ़े तो क्यों कहीं भी जा सकता है जाए कि नहीं हमने के लोग राज्य क्यों पटना चल जाए क्यों कोट राजस्थान चल जाए जहां जैसे सुविधा पहले चल गए अरे उतना तो छोड़ हमने छोटे घर ही बहुत सारा मामा घर मौसी घर फूफू घर रह के पढ़ा ले कि नहीं पढ़ा ले रहा ना तो कि मामा फूफू मौसी में हुआ चलो अधिकार
जब हमार नीजे के मामा में 10 साल रह के हम मैट्रिक कर लिए से हम एक बेटा जमीन चाहे दिलाए तो भाई झारखंडी कैसे भाग ले 10वां 12वां पास कर लो मने सोच सकल हां कि कतरा बेईमानी के साथ अपनी नीति बनाए रहा जगर कोई सीमा ना है जगर कोई सोच ना है जगर कोई विजन ना है जगर कोई मिशन तो सही करके आज नए सिरे से झारखंड का निर्माण करना है। आज चारों तरफ देख ले चाहे केंद्र सरकार के को या राज्य सरकार के एक नहीं के केवल और केवल पूंजी से मतलब नहीं करा। केंद्र सरकार का देख ले खाना में जीएसटी ले आए अरे दूध दही अब तो छोड़ दे भली कम से कम सिर्फ और सिर्फ फायदा है ओकर बाद ओकर जितना निजीकरण संस्था भए जाओ जितना ओकर एयरपोर्ट और रेलवे जितना नीलामी भेवो ले हो के मैक्सिमम अडानी में अपन पैसा से लेके बैंक से कर्जा ले। भगत सिंह अटे कारण है अगर भगत सिंह के माने हैं तो जितना सरकार बनो अपने के दुखकारे हैं। एक लाइन वो कहा है कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे आजादी हम अंग्रेजों से छीन लेंगे लेकिन क्या वो आजादी गांव गरीब किसान खेत खलिहान तक जाएगी कि नहीं जाएगी। आज भी आजादी गांव तक नहीं आज भी आजादी चंद जन की बराबरी के कब्जा में रही है। थोड़ा कभी आभास है लो आजादी के जब तक तो अपन खेतवा में है खरिहान में है अपन आंगना में है तब तक आजाद है। एक थोड़ा अगर कोई स्कूल कॉलेज अगर थाना ब्लॉक के चक्कर काट ले तो जरा बुझे तो कितना जलील हमारे जिंदगी में थाना प्रभारी से बात करना तो मथवा झुकाई के बात है। वीडियो से कोई योजना लिया गया है तो 4 बार जुत्ता ढंग से अटेक ना मजा भी लगल अरे छोड़ केंद्र में जब सरकार है ओकरे ने वो लीडर में कहा है कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे पदनाम यहां सहते हैं उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या 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 आजादी के मतलब अंतिम व्यक्ति तक खुशहाल लेकिन हमने की ना भाई लोगे फड़का बड़का ढोल फिर कि भारत देश तो बहुत बहुत धनी देश है कल कैसे नहीं है वो राजा हो और वो रानी हो वो बिहार उठ कर 3 लाख के चाय पी हो नामे धरे अम्बानी तो जैसे ही एक मीडिया में वायरल हो रहा है कि भाई भारत में एक राजा है राजा की रानी है वो 3 लाख का चाय पीती है भारत तो अमीर देश है। एक बार देश की तरक्की देश के अमीर व्यक्ति से नहीं गांव के सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगिया की गठरी से नापिए कि देश उन्नति किया है कि नहीं किया है। अंबानी की पत्नी की चाय 3 लाख की चाय और 1 लाख की लिपस्टिक से देश को मत आती है। जाइए बगोदर के बाजार में गांव के जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसका नाम गंगवा मंगरा बोलना इसी टाइप का होगा उसकी पत्नी होगी गंगिया बुधिया शनिचरिया इसी टाइप की होगी और उसका गठरी होगा उससे नापिए देश तरक्की की आय की नहीं किया। अगर उस गठरी में वजन है भगोदर बाजार में शॉपिंग करने का मानेंगे देश तरक्की किया है और नहीं तो बंद कीजिए ये ठकोसला बंद कीजिए ये दावा जो आप कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। चंद मुट्ठी भर लोगों के नाम से और चंद मुट्ठी भर लोगों की उन्नति से ये देश या विश्व गुरु बन सकता है या नंबर वन देश बन सकता है। आज तक केवल और केवल देश के गुमराह देख रहे हैं। आज तक जब भी बजट के लेके आओ है अपने कॉर्पोरेट में ध्यान रखा है कि बजट में रखने का खुश कैसे करना है और लास्ट में कायदा किसान के फायदा मिले कभी भी बजट किसान के देख के नहीं बना है। अगर किसान के देख के बंद लाए तो 1 साल किसान आंदोलन नहीं करता। देश के तरक्की करना हो भारत के या झारखंड राज्य के बस दो तीन को नियम के अनुसार से भाई कृषि के व्यवस्था से लेकिन यदि अखनी कृषि के उन्नति करता है तो बताए अपनी झंडा क्या होता नारा क्या लगे पीछो पीछो क्या जीते सही खातिर अखनी कभी नहीं चाहता है कृषि के उन्नति करवे बल्कि जैसे देख ले कोरोना कहले बेटा अब तो काम धंधा खत्म है तो अब जमीन के दाम बढ़ दो सरकार कहले अपन नियमन कृषि का
पढ़ल लिखल साथी लगे। हमें जब भी बात करब हमें कोई एक सरकार के नहीं, हम केंद्र राज्यों के बात कर रहे हैं। कभी भी ये जो कृषि कानून बनावे ना विशेष सत्र से बनावे, विशेष सत्र संसद में तबे चल है जब राष्ट्रपति 1, 2, 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 ओकर अनुसार डाटा बजट सत्र व्यवहार है, शीतकालीन सत्र व्यवहार है, मानसून सत्र व्यवहार है, सत्र तीनों में व्यवहार है, लेकिन चौथा सत्र अगर डाकी तब डाके जब इमरजेंसी कि कृषि बिल इमरजेंसी लग गया, कोरोना का टाइम लग गया, अगर तोरा इमरजेंसी कुछ लग गया तो मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, इमरजेंसी कुछ लग गया तो सुरक्षा फैसिलिटी है, इमरजेंसी होना चाहिए, लेकिन वह बिल नहीं जाएगा। होता तो छोड़, बिल बाद में अडानी साहब के गोडाउन पहले बन गया। एक बात याद रख, टोनी साइरस मिस्त्री लगेगी, हाल फिलहाल को साइरस मिस्त्री जे पैद टाटा के चेयरमैन पूर्व थे ना, डेथ कर गया। पहला बात जे है लगे वो अगर दुनिया छोड़ गए तो हमें अपना जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो जैसे डेथ कर लाए सरकार नियम बनाए दे लो, क्यों डेथ कैसे कर लो भाई, ना उस सीट बेल्ट नहीं बांधा लगा सर्व आत्मा तो छा अब पिछुआ सीट बेल्ट लगाओ, बताओ क्या नहीं आगू ड्राइवर आज बगल में बैठा हो वो तो लगे वे कर दो, ये पाछू बैठे ना पास को खुचाई के तो अने को सीट बेल्ट लग गया, तो कहे साइरस रस्ते मरी गए तो कहे कि साइरस रस्ते लगे तो आप देख के कानून मानते हो, तो एगो मजदूर लगे, तो एगो किसान लगे, तो एगो कामगार लगे, पर हजार लाख संघर्ष में कोई नियम नहीं बनेगा, मरले ना कोयला खदान में 1975 में 375 एक दिन मरी गल दिन जस डाला अब तक मरते हैं, तो आज भी अपन खातिर कानून बनवे खोजे हैं तो तोरा उठा फटक कर रहे, तो आज भी अपन खातिर नियम बनवे खोजे हैं तो तोरा साथ में आके छेचाए भे तो चिल्लाए भे तो हल्ला कर, तो साइरस ने सुनने लगे कि मरलो बाद तोर मौत से देख के नियम बन, आप एक मजदूर हैं, आप किसान वर्ग से हैं, आप कामगार वर्ग से हैं, यदि आपको लगता है आपके लिए कानून बनाना है तो आपको सड़क में आके चिल्लाना होगा, हल्ला करना होगा, तब लागू होगा। आज हम लोग 9 महीना से जनवरी महीना से हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तब जाके सरकार बोल रहा है 1932 कैबिनेट में लेके आया है, भले वो श्रेय ले ले, हम लोग को श्रेय का आवश्यकता नहीं है, लेकिन झारखंड की जनता जानती है कि आज अगर सरकार जो गूंगी हो गई थी अगर उसके जुबान से 1932 आया है आंदोलन के कारण आया, लोग के माने ही लगो जितना मोड़ी की संख्या देखे तो सरकार अपना पीछू, जितना मोड़ करने पर भी लोकतंत्र यानी मोड़ी की संख्या जितना मोड़ करने पर भी सरकार अपना पीछे, आज अगर कहानी चाहे है कि राज अगर हमारे खातिर बनल है कि राज में रोजी रोजगार हमको मिलना चाहे तो कहानी के एकजुटता के साथ जन आंदोलन की धनबाद बोकारो से राज में फैलल हो, गिरिडीह क्षेत्र में भी व्यापक कर रहे थे, कोडरमा के क्षेत्र में व्यापक कर रहे थे और नेतृत्व यहाँ के अंदर भी कर रहे थे, और साथ साथ में हमने कभी शिकायत करी है ना कि भाई विधायक जी के बेटा विधायक, मंत्री जी के बेटा मंत्री, डीसी के बेटा डीसी, तो ये आंदोलन के को मौका दे दे लो कि तो एक आम मौका भी लगे और तो एक जदि लड़े के क्षमता हो तो राज भारत बैठ पे सोई पाए, हमने की बेस देखा है कि थोथरो हमने चमका है और एकदम रो दे ला हमने करिया देखा है, लेकिन आज ये आंदोलन के चर्चा लद्दाख में हो रहा है, ये आंदोलन की चर्चा नागालैंड और मिजोरम में हो रहा है, ये आंदोलन की चर्चा महाराष्ट्र और गुजरात में हो रहा है, कारण एजुकेशन, एजुकेशन तीसरा और दूसरा कोई कारण नहीं है, सिर्फ कारण है एजुकेशन, जो लड़का लोग बोल रहा है, जो लड़का लोग आगे लीड कर रहा है वो लोग पढ़ा लिखा लड़का है और एक सवाल का उत्तर रखा है, एक से पहले पत्र
जाने याद भी नहीं। लेकिन हमनी रहियो चाहे ना रहियो ये आंदोलन के लोग भूल नहीं सकते। कारण एजुकेशन सही खाते जितना नूतन किधर सब हमने विरोध बाबू एक लाइन कर रहा है पढ़ो और लड़ो। इसलिए पहला मकसद एक अच्छा पढ़ाई के जानना समझना, दूसरा पढ़ाक अधिकार का तीर समय समय पर लड़ते रहना। क्या कि हमने सायरस मिस्त्री नहीं लाया, समय समय पर हमने के लड़ाई कर। अब ये तो कहनी तय कर भी, आने वाला जनरेशन तय कर भी, लड़ना हो कि नहीं लड़ना। अंग्रेज जहां 250 साल राज कर लाए, जैसी ओकर एंट्री भर लाए और तखने उठा के पटक दे तलाए तो इतना नुकसान नहीं होता। तो सही नहीं, आज अगर नहीं लड़ रहे तो बहुत बड़ा गुलामी हम एक तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा गुलामी। आज अगर हमने नहीं लड़े हैं तो हमने दिन पहला बार ढंग की एजुकेशन नहीं रहा। तो कभी भी अगर कंपेयर करना हो तो थोड़ा सा अगर जहमत कर तो झारखंड के कोई पांचवा तब के किताब अरे वो डीएपी डिनोमिनेशन की किताब लेके बैठ जाए कई काल गलाए कि एजुकेशन सिस्टम में खत्म कर इंसान खत्म हो। तो सब पढ़ा लिखा किधर लगे एगो डीएपी डिनोमिनेशन बढ़िया स्कूल की किताब ले पांचवा तक और एगो झारखंड बोर्ड के और मिलाई के देखिए की कहानी है। मछली मार दो झारखंडी की तुम्हें जानी रहे मजाक क्या शान है। एक समय हमने का पूर्वज स्लेट लेके स्कूल जा रहा, अब प्लेट लेके जा रहा है, पेट भरा जा रहा है हाथे हमने प्लेट स्लेट के आप प्लेट आई गई कहे ऐसे में ध्यान दिए सरकारी के अगर जहां डैमेज कर तो खुद का भी चांस दिए भी डिनो बोलू हुआ नर्सरी के बच्चा के 3000 कहे जान या दिए पर कतरा धान है जो पैसा ले दिए पर भी नर्सरी के बच्चा के फी दून पब्लिक स्कूल हमारे तो चाची में हो नर्सरी के बच्चा 3000 अरे 3000 में हमने क्या एगो महीना चल जाए इगला कोई मजाक के विषय नहीं लाए हमें भाषण दिए ना आएगी हमें तो उसे फोटो खींचो ना आएगी हमें 9 महीना से लौट के जगाए रह लियो और हम दब गए मिलाई के देखिए थोड़ी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम हमने 3000 दाई के नर्सरी में नहीं पढ़ाए पार में अपने बच्चा के इस स्थिति आज राज्य में भाई गला इस स्थिति आज हिंदुस्तान में भाई गला दियो तो देश के बात कर राज्य के बात कर चंद मुट्ठी भर लो अपनी चलाए रहा चंद मुट्ठी भर लो पूरा सिस्टम के चलाए रहा कुछ प्रतिशत आदमी के हाथ में पूरा का पूरा 20 पैसा। हमने जब भारत के आजाद कर लिया कि माटी के टुकड़ा के आजाद करने का मकसद लेके आजादी का मतलब कि माटी के टुकड़ा कि कश्मीर से कन्याकुमारी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आजाद करना है माटी के टुकड़ा के आजाद नहीं कर लिए यहाँ के व्यक्ति के आजाद कर सपना ये जमीन के टुकड़ा के आजादी नहीं चाहे आजादी इंसान के चाहे कई कई इंसान आजाद है अपन इच्छा से अपन स्कूल में पढ़ नहीं सकल है हॉस्पिटल में इलाज नहीं भाई सकल है पता तो छोड़ अपन राज्य में बकरा को नियोजन नहीं मिल सकता है। आज जहां जहां में के लिए युवा सब के बात रख लिए पकड़ी का दादा केस मुकदमा भेज दो हम खाली की रहते फांसी तो देवा रहा है उम्र के भेज दो जिंदगी तो ऐसे उम्र के दो कब आजाद है जब दिन घर से बाहर गया गुलाम है जन्मदिन अपन माए राजा छोड़ दी गुलामी स्टार्ट हो गई कब आजाद है सब तो जैसे सिस्टम ऊपर बैठा लो तो अच्छी हो जुगे गुलामी कराए रहे जिंदगी तो ऐसे उम्र की है एम ए बी ए पास कर ले भटक रहा है काम का मनवा तिताई गलो बिसाई गलो कभी तो लटक के मर गए जिंदगी तो फांसी और उम्र की ऐसे बनी बनी सही खातिर आज एक बार फिर से लड़े की दरकार है जड़ी लड़े हैं तो कम से कम जाने वाला जनरेशन
तो ओखनी हक अधिकार माटी रोटी सुरक्षित ठीक है। तो हनी और खिलाड़ी सब बिहार से खेलना ज्यादा विषय सब समय नहीं लगो चूंकि खेल के मैदान लगे थोड़ा सा खेल पे भी चर्चा होना चाहिए ताकि खेल के महत्व दे और हमें तो हटे का जितना कि अभी मोबाइल से खेले हैं कम से कम 2 घंटा ग्राउंड में बिक्री हो चाहे फुटबॉल खेल क्रिकेट खेल वॉलीबॉल खेल या कबड्डी खेल और नए पर दौड़ दे गाछे पथारे टणिए पर्वत पहाड़ नहीं दौड़ दे कहे से सुन कभी तो नहीं क्वार्टर दिखे ना कभी क्वार्टर या शहर में जहां बड़का बड़का रिटायर ऑफिसर सब रहो बिहान बिहान अपने उठ के वॉलीबॉल खेल के बिहान बिहान अपने जॉगिंग कर कर सवा 5 बजे भोर कहे पता हो वो जवानी में क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेला तो बुढ़ापी समय कहे नौटंकी करबो यार बिहाने बिहाने आराम से 5 बजे सुतबे जवानी में खेल 2 घंटा जवानी में खेल खेल केवल खेलने लगा खेल से तेरा मंदिर मिल तो खेल तो अनुशासन से कहते खेल तो नियम से कहते और खेल तो जुटी बड़ी जज्बाती बड़ी एक छोटा सा कहानी इंडिया पहला वर्ल्ड कप कब जीता है 1983 चल बहुत अच्छा जानकारी सब क्या है 25 जून 1983 लॉर्ड्स लंदन वो मैच में इंडियन टीम मात्र 183 रन बनवा लो अभी तक हम साइड का हुआ हमरा तो बुझा लो अभी जय ददवे हमर बैटिंग कर लो एकनी अगर साइड तो छ 12 ओवर खेल ले 183 बना दे मात्र 183 रन में इंडियन टीम ऑल आउट खत्म अभी तक 50 रन है आर 10 ओवर ज्यादा साइड को 360 बॉल में 183 खत्म वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 184 360 बॉल में यानी 2 बॉल में 1 रन एवर रख एवर 1 रन ले चौका छक्का के भी कोई जरूरत नहीं यानी इंडिया तो हार गया जीत तो गया लेकिन हुआ तो हार गया ना जितना भी इंडिया खास कर जितना हमर गांव लोग देखो तो टेलीविजन में हालत 83 में ट्रांजिस्टर रेडियो रेडियो बंद कर दल थो ट्रांजिस्टर बंद कर दल थो आ कहो इंडिया कहानी प्ले कहे ना वेस्ट इंडीज से मुकाबला हो विवियन रिचर्ड से काय मार क्लाइव लॉयड गॉर्डन ग्रीनिज डेसमंड हैंस देखनी है काय मार तो एगो डलाएगा वेस्ट इंडीज यानी तखन के बादशाह दुबई के वर्ल्ड कप खेल लो ओहे तीसरा लाल वक्ता तो छ सुनील गावस्कर और 2-3 जन के बिहार है अखनी के वाइफ पत्नी पत्नी बुझा ना मेहरारू अखनी के फ्री में टिकट मिल रहा है कि इंडिया पहली बार फाइनल खेल रहा है इससे पहले सेकंड राउंड नहीं गया है आइए सपोर्ट कीजिए थोड़ा कुलकुली ग्लीजेस का हौसला बढ़ाइए पत्नी साहब तो आएगा थोन थोन पत्नी साहब तो लॉर्ड्स पहुंच गए लेकिन जैसे इंडिया 183 में ऑल आउट भेलो सब अपन टिकट आधा दाम में बेच दे सब अपन टिकट आधा दाम में बेच के लंदन के मॉल शॉपिंग करे चल गए सोच पत्नी जकरा धांगड़ी कहल जाए और धांगड़ी यानी आधा हम अरे दुनिया साथ दे तो ना दे तो पत्नी साथ दे लेकिन उस टाइम पत्नी भी छोड़ के चल गए हमें अब थोड़ा सा बीच में एक छोटा सा कहानी अपन दादा भौजी सुनाए देंगे हमारे दादा महाराष्ट्र में रहलो यह नया नया शादी भेल लो छोटा एक बच्चा हलो नर्सरी या केजी में पढ़ा हलो तो ओकरा पैसा भेजले उधर से 8,000 स्पीकर ऑन होले हमारे सामने बात कर हलो कल सुनना से पैसा भेज ली कुछ भी साल नाव के दे दिए राशन दुकान में कुछ उधार हा बढ़ा जा के आसपास ऑटो दे दिए और कोई कहा ले तो लुगा लेवे ले लियो नया नया शादी भले ऊपर से भौजी हमारे ठीक ठाक देखा ऐसे सब ठीक देखा देखा तो हमें सोच लिया कि भाई भौजी कहते कि है बड़े दो गो ले वो
एक महिला की इच्छा बहुत ज्यादा है ना, लेकिन की गल पता हो कि नाए नाए जाए नुई जूता लिए कहा स्कूल जाए जूता यानी सोच सकल है एगो पत्नी जगह बाप भाई लंबा लंबा ख्वाहिश कर है पति संग आए बाद पति नियर भाई गए अपन सड़िया दामे गिरवा लुगा लुगा दामे जुटवा लग गए आज वहां वर्ल्ड कप में की भलो पत्नी लंदन चली गई यानी पत्नी पर तो यकीन नहीं हलाए इंडिया वर्ल्ड कप जीतो लेकिन सांस है जैसे जैसे सूरज ढल जाए अपनी ग्राउंड है चल देख के आओ है सेकेंड ऑफ प्राइज मिलते तो हटो खुश कर भर आए के देख ले 22 साल के कप्तान कपिल देव के हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दुनिया सब छोड़ दे रहा है अरे दुनिया तो छोड़ अपन जनाना सब साथ छोड़ दे रहा है लेकिन वर्ल्ड कप जीत के निकल ले कहे कहता लगा खेल के जज्बा तोर में अगर जज्बा हो दुनिया के अधिकार साइज है खेलिया कोना ना कोना खेल जरूर खेलिया और साथ ही न्यू टीम जो फाइनल में खेला तो थोड़ा सा ऊंच नीच लागो नहीं थोड़ा सा तू में निर्णायक से उलझना एक खिलाड़ी से उलझना इटा ग्राउंड के नियम लागो लेकिन ग्राउंड के बाहर फिर से तो दोस्ताना माहौल होना चाहिए। देखो मेरे को छोटा सा कहानी नेल्सन मंडेला सुनो ले तो नाम नेल्सन मंडेला दसवां क्लास में वो चैप्टर हो अंग्रेजी में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हमें आज चैप्टर वाली बात नहीं करेंगे। मंडेला जब अफ्रीका के साउथ अफ्रीका ओकर राष्ट्रपति बन गए हम एक दिन गेलो होटल खाना खाई ले तो नहीं जाते है ना रेस्टोरेंट हो गया तो जाहिर सी बात है मंडेला लगे तो ओकर संगे 20 गो 25 गो लोग हते राष्ट्रपति लगे ज्यादा की कम नहीं लेकिन बगल के जो कुर्सी हवाए ओकर में एक व्यक्ति अकेले खाना खा रहा मंडेला ओकरा देख ले कले डाक डाक के डाक में कह के डाक में बैठा मंडेला अपन कुर्सी में ओकरा बैठे ले डाइनिंग टेबल 12 बजे 14 बजे बैठ सकल जब लोगवा अकेले हलाए बहुत खुश हले आराम से होटल में जब भोजन हले ओकर मजा ले हले लेकिन जैसे मंडेला सामने हले थर 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 काफले काफले खाना खेले जब लोकवा खाना खाए बस चल गए तो मंडेला के जे पीएसए टीए हाथी कले सर आप राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति के सामने तो महफूज होना चाहिए आदमी को निडर होना चाहिए कि हम राष्ट्रपति से खड़ा है वो तो उल्टा डर रहा था भाई कहे सर राष्ट्रपति के सामने उसको तो निडर होना चाहिए कि हम राष्ट्रपति के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं वो डर गाय रहा था बोला सुनो ना जिस जेल में हम जे कैदी थे मंडेला 28 साल जेल में रहा लगा राष्ट्रपति बाद बन गए जिस जेल में हम कैदी थे कि सर्वा वहां का जेलर था कभी हमको मारता था कभी हमको पीटता था फूटता था कूटता था अरे इतना ही नहीं जब इसका मन नहीं भरता था ना सर्वा हमारा बदन में नमक छिड़कता था उतना नहीं कभी कभी मुंह दिया है मंडेला कहानी बता रहा है कि हमको पेशाब कर दिया है और आज हम राष्ट्रपति हैं इसको जहां चाहेंगे उठा के पटक देंगे नदी के तरे घुसा देंगे पता नहीं चलेगा और ये सोच रहा है कि जेल में जैसा मेरे साथ व्यवहार किया था वैसा ही व्यवहार आज हम इसके साथ करेंगे लेकिन ये जेलर गलत सोच रहा है मंडेला साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बदला लेने के लिए नहीं बदलाव लाने के लिए बना है जेलर सोच रहा है कि हम भी उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो व्यवहार उसने मेरे साथ जेल में किया था लेकिन वो गलत है हम 300 साल के बाद नेल्सन मंडेला 300 साल के बाद करिया रंग का राष्ट्रपति अफ्रीका में बना था जिस पर देखो दुनिया में बहुत सारा भेदभाव हुआ है कहीं अमीर गरीब के नाम पे कहीं जाति जाति में कहीं धर्म धर्म में कहीं करिया चर्चा में तो मंडेला 300 साल के बाद अफ्रीका के राष्ट्रपति बने
इसीलिए उन्होंने कहा कि हम बदला लेने के लिए नहीं भैया, बदलाव। इसलिए टणिया की भलो क्या तौर बोले हैट्रिक मार लो, भूल जो का टणिया के रहे गुरदी तो हूं मानते ना, बात करता हूं युवराज के मारा लेना मैच क्रेनस में 5 छक्का मार दे कोई एस्ट्रोड ब्रॉड के 6 हो गए किस्सा खत्म। 2007 में मारा हल युवराज ने अखा मुकरा मारला जून में, यानी 3 महीना पहले, साल भर पहले ना है। 2007 में युवराज सिंह के 5 छक्का मार ले, ये 2 महीना बाद 6 हो गए। तो सैनियरी टड़िया खड़ा करी है, अगला बार जखन फाइनल भीड़ में हिसाब कर ले लेगा अपना फिटाई लाए खेल के बाहर गुड मैन गुड पर्सन अच्छा व्यवहार कहा कि हमने की तो कमजोरी रहा लो हमने खून के नदी बहाए दे लेकिन पता बकर जगन भय में काय जगह पाए पिता जो हमने मार काट कर दे लेकिन अपन पीठे भाई से सहाय खाते जितना भी साथी सब आए रहा सभी के जोहार और आशा कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं ये कहानी हमार बात गिला समझे पा रहा यदि समझे पा रहा तो हम चाहे बिरनी यार बगल में कोडरमा है कोडरमा के साथी सब आए हैं इन्ना उलगुलान उलगुलान 3.0 आगाज ये से होना चाहिए याद है चल गए कोडरमा वाले क्या अब खदान से आंदोलन शुरू किया जाए अब रात हमारा तो अधिकार भी हमको मिला ठीक है बाकी बहुत सारा समय मिलेगा आपके साथ आने का जुड़ने का आंदोलन करने का सोचने बुझने समझने का क्योंकि खिलाड़ी कण भी काफी देर से आए हैं उनकी भावनाओं को भी समझना होगा सभी व्यस्त रहिया खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया आगू बढ़े के चेष्टा करिया और नूतन की दर्ज जाए तनी मोबाइल या ठीक से चले भा बड़ा दर्द भले 8 साल के भैया में 12 साल के भैया के छोरा पाए सही खातिर मोबाइल चलैया पगला दिया नहीं चलैया क्यों पगली रखो हुआ मैया बापा हो खोज के अंदर को ठीक है सभी के जोहार रहता है कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है उठो उठो जवानों फिर से इंकलाब आया है यह इंकलाब तो निकला है आज सीनों से यह ताप तो निकला है हक के सीनों से ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन खुशी से झूमते हुए खुले बदन लाख चला लो गोलियां ये गम नहीं होंगे सर कटेंगे लेकिन गम नहीं होंगे सर कटेंगे लेकिन गम नहीं होंगे आज हमें लड़ना होगा आने वाले भविष्य के लिए हमें लड़ना होगा उस व्यवस्था से जो मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पूरा देश देना चाहता है हमें साकार करना होगा भगत सिंह और बिरसा विनोद के सपने को जो भगत सिंह ने कहा था आजादी गांव तक लेकर जाएंगे नेताजी बोस ने कहा था कि यदि गांव का किसान का बेटा अपने बस्ते को लेकर शहर स्कूल तक नहीं जा पाता है स्कूल तो बोलिए गांव आएगा हमें उस भारत उस राज्य का निर्माण करना है और निर्माण हम आप मिलके करेंगे सबके जोहार आयोजन कमेटी के धन्यवाद जय झारखंड जोहार झारखंड